My dear all, I am starting the poem. Name is The Laburnum Top. It is very interesting poem, and the laburnum is the name of a tree, and poet name is Ted Hughes. Poet say in this poem by poet, it is cleared here that the laburnum top is all about the tree of the name laburnum and how the goldfinch comes to it and settles in it. It comes to life with its chattering and subsides to emptiness when it flies away. Laburnum जो है एक ट्री का नाम है और उस पर जो अलग तरह का जो गोल्डफिश आते हैं तो कैसे सेटल हो जाता है, किस तरह से बैठते हैं और चैटिंग भी करते हैं और वो कभी न कभी पूरे खाली हो जाते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं रहता है, इस पोएम में हम नहीं जानेंगे। इट वॉज इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएम। नाउ पोएट एक्सप्लेन्स वेरी वेल। यहाँ पोएट ने जो एक्सप्लेन किया, जो बताया, बहुत अच्छे से बताया। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ इन द फर्स्ट स्टैंजा इट इज योर द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून एलो सेप्टेम्बर सनलाइट अ फ्यू लीव्स एलिंग ऑल इट्स शेड्स फॉल। नाउ पोएट बिगिन्स द पोएम be saying that it is the month of September, the top of the laburnum tree is silent, it has few leaves which are turning yellow, जो ग्रीन पत्ते थे वो भी अब सितंबर के मंथ में येलो कलर होते जा रहे हैं, पीलापन होते जा रहा है, and its seeds have also fallen, और उनके जो बीज हैं, सीड्स हैं, वो भी धीरे धीरे गिरते ही जा रहे हैं। Now, in the second stanza, till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then slick as a lizard, and alert and avert, centers the thickness. And a machine starts up, chitterings, and a tremor of wings and trailings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of a family. Now about the stanza. I am going through the explanation. The laburnum tree top remains still till the goldfinch, a yellow-colored bird. Comes and starts chirping. It becomes lively. The bird enters the tree like a lizard. The bird enters the tree like a lizard. You know what lizard? कहते हैं lizard जो है अपना रंग बदलते रहता है। जैसे मैंने first example बताया, in the month of September, उनके जो leaf है वो yellow color में होते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है कि लेबरन ट्रीप अभी भी येलो कलर की जो बर्ड है वे बर्ड यहाँ पर आते हैं, उनके पत्ते भी येलो कलर के हो गए। इट इज सेइंग दैट बर्ड इंटर्स द ट्री लाइक अ लिजार्ड, किसी में सेम जैसे कलर पत्ते का है वैसा ही बर्ड का भी हो जाएगा। द एंट्री इज वेरी एब्रप्ट एंड बर्ड सीम्स वेरी अलर्ट। The moment the goldfinch enters the thickness of the tree, its cheeks start chirping. It is as if the engine of a machine has started. ऐसा दिखता है कि जैसे कि कोई मशीन का इंजन स्टार्ट हो जाता है तो उसके आगे का प्रोसेस शुरू हो जाती है। The cheeks shows their happiness by flapping their wings and by their chirping. वे जो आपस में जो उनकी चुहचुहाट की आवाज आती है, जो बर्ड्स की बोलने की जो बात करने की आवाज आती है और उनके जो पंख फड़फड़ाने की जो
आवाज आती है, इससे पता ये चलता है कि ये सारी चिक्स जो है बहुत ही हैप्पी मूड में है, बहुत ही खुश है। नाउ इन द थर्ड स्टैंजा, सी स्टॉक्स इट फूल देन फ्लर्ट और टू अ ब्रांच इट शोइंग हर बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क देन विद द इरे डिलेक्टेड विस्ल विस्परिंग सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफिनाइट एंड द लेबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी। इन द थर्ड स्टेंजा पोएट राइट्स क्लियरली, क्या बता रहे थ्रू द पोएम जो पोएट ने बहुत अच्छे से राइट किया। द गोल्डफिंस मूव टुवर्ड्स अ ब्रांच एंड, वो जहां पर ब्रांच एंड होता है उसके तरफ मूव करके जा रहा है एंड शोज हर मास्क जिस तरह से कोई चीज ढकना चाहता है, कवर करना चाहता है। द चिरपिंग चेंजेस इनटू डेलिकेट विस्क चिरपिंग विस्परिंग एंड देन सी फ्लाइज अवे इनटू द इनफिनाइट। देयर द लैवेंडर ट्री व्हिच वाज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी टिल नाउ सडनली बिकम्स साइलेंट एंड क्वाइट। द सिंगिंग ऑफ द गोल्डफिश हैड brought life to the tree for some time and it again subsides to empty. कुछ समय के लिए जब तक उसकी जिंदगी है, लाइफ है, तो आगे के आगे काम करते जाता है, साइलेंट भी होता है और कभी कभी ऐसा भी होता है जब उनकी सिंगिंग बहुत अच्छी होती है गोल्डफिंच की, देन हैड ब्रॉट लाइफ टू द ट्री, तो उससे ट्री के लिए बहुत ही लाइफ बढ़ जाता है, ऐसा होता है कि वो और खुशहाली बढ़ जाता है सम टाइम, इट अगेन सबसाइड्स टू एम्प्टी, और वही वक्त आता है जब वहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो वह सब कुछ खाली पड़ जाता है, वहाँ पर कुछ भी बचा हुआ नहीं रहता है, सिर्फ एम्प्टी, दैट मीन्स वहाँ पर कुछ भी रुका हुआ नहीं रहता। थैंक यू सो मच।